अगर आप डेटा एंट्री का काम ढूंढ रहे हो या फिर डेटा एंट्री की फील्ड में एंट्री करने वाले हो तो इस वीडियो को प्लीज आप कंप्लीट देखना ताकि आपको पता चल पाए आजकल मार्केट में डेटा एंट्री के नाम पे चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे डेटा एंट्री फ्रॉड होते हैं, लेकिन जो प्रूफ के साथ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दो सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया डेटा एंट्री फ्रॉड के रिगार्डिंग, और इस टॉपिक को आप लोगों के सामने लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ के लिए सबसे पहले आप इन मैसेजेस को चेक करो। यहाँ पे फ्रॉड करने के भी तरीके अलग अलग हैं। किसी में पैन कार्ड आधार कार्ड मांगा है, तो किसी में आपसे ज्वाइनिंग फीस मांगी हुई है, या फिर किसी में डायरेक्टली लास्ट में कैंडिडेट को ही फंसा दिया गया है। यहाँ तक कि कंपनी कैंडिडेट को लीगल नोटिस भेजने की धमकी भी दे रही है और पुलिस की बात भी कर रही है। कोविड के टाइम से डेटा एंट्री फ्रॉड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। हम हमेशा ऐसा काम ढूंढते हैं जो कि ईजी हो, कम टाइम में हम कर लें और उसका हमें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाए। तो वो काम है डेटा एंट्री का, जिसमें ज्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि फ्रॉड ऐसे भी हो सकते हैं। अगर आपके साथ इस टाइप का कोई फ्रॉड हुआ है या फिर आप फ्रॉड होने से बचे हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना, ताकि और लोग ऐसे फ्रॉड होने से बच पाए। तो सबसे पहला जो फ्रॉड होता है वो है कंपनी आपसे आधार कार्ड मांगेगी, पैन कार्ड मांगेगी, और फिर उसके बाद आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन या फिर ज्वाइनिंग फीस के नाम पे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, जो कि कंपनी ये क्लेम करेगी कि ये जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं ये कंप्लीटली रिफंडेबल होंगे जब आप उन्हें काम करके दे देंगे आपकी सैलरी के साथ। वो जो पैसा आप जमा करवाओगे वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर आपको इन कंपनी के ऊपर कोई भी डाउट होता है तो कंपनी अपने आप को वैलिड प्रूफ करने के लिए ऐसा दिखाएगी आपको कि हम आपकी बात अपने मैनेजर से करवा देते हैं, अपने एचआर मैनेजर से करवा देते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रॉड है, अब ये फ्रॉड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये फ्रॉड हो रहा है, जो कि है हैंड राइटिंग जॉब्स का। आज की डेट में सारा ही काम डिजिटली होता है, तो क्या आपको लगता है कोई आपको कॉपी पेन से लिखने के लिए काम देगा? हैंडराइटिंग जॉब्स में कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है ये बोल के कि कंपनी को आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने, उसके लिए एक सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी होगी जो कि 1500 रुपए, 2000 रुपए कुछ भी हो सकती है। और जब वो डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंच जाएंगे आप उनका काम कंप्लीट करके उन्हें रिटर्न करोगे उस डॉक्यूमेंट को, उसके बाद आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन जब आप उस पैसे को जमा करवा देते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पे नहीं आता है और आपके साथ हो जाता है फ्रॉड। नेक्स्ट जो फ्रॉड है उसमें कंपनी आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में आपसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाएगी, जो कि एक एग्रीमेंट होगा। यहाँ पे कंपनी आपसे कोई भी ज्वाइनिंग फीस या फिर चार्जेस नहीं लेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे, लेकिन कंपनी आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि आप उस सिचुएशन में फंस से ही चले जाओगे। या तो कंपनी आपका टास्क ही पूरा नहीं होने देगी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको 100 डेटा एंट्री काम मिला हुआ है करने के लिए, जैसे ही आप अपना 98 या फिर 99 वा पेज कंप्लीट कर लोगे उसके बाद 100 पेज में आपको एक एरर आने लग जाएगा जो कि आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होने देगा। अब कंपनी यहाँ पे आपसे कुछ चार्जेस मांगेगी, फिर कंपनी आपका मल्टीपल लॉगिन बोल के आपके अकाउंट को ही बैन कर देगी। तो यहाँ पे अब आपको अकाउंट को ओपन करने के लिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने के लिए कुछ चार्जेस देने होंगे, जो कि कंपनी आपसे अप्रोक्सीमेटली 8000 रुपीज चार्ज करेगी। अगर आप उस चार्जेस को देने से डिनाई कर देंगे तो कंपनी आपको धमकी देगी लीगल नोटिस भेजने का। लीगल नोटिस में ये लिखा होगा कि आपको 25000 रुपए जमा करवाने हैं, नहीं तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन लेगा। इस लीगल नोटिस से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि खुद ये कंपनी फ्रॉड होती है, ये क्या आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। अब आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हो? सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कोई भी चार्जेस मांग रही है तो वो एक रेड फ्लैग है, आपको ऐसी कंपनी का ज्वाइन नहीं करना है। सेकंड, क्विकर, OLX, यूट्यूब या फिर naukri.com में अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए तो उससे सबसे पहले क्रॉस चेक जरूर करो, जो उनकी वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है या नहीं, रिव्यूज पढ़ो और अच्छे से एक बार पूरी डिटेल्स चेक करो। हो सके तो OLX और क्विकर से दूर ही रहो, यहाँ पे आपको वैलिड जॉब नहीं मिलेंगी। अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करना ही चाहते हो तो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, उनमें आप लोग जाके चेक कर सकते हो। जब भी गवर्नमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप वहाँ पे अप्लाई करो। फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही है तो फिर आप अपवर्क या फिर फाइवर जैसी ट्रस्टेबल साइट्स में काम कर सकते हो जिसमें आपको पैसा मिलता है। क्या आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।